जावेद हसन, उनके साथ में 4,80,00,000 की चीटिंग की गई। एक हैदराबाद के व्यवसायी है नंद किशोर, उनके साथ में 5,55,00,000 की चीटिंग की गई। एक कलकत्ता के व्यवसायी है दिलीप अग्रवाल, उनके साथ में 3,09,00,000 रुपए की चीटिंग की गई। और जयपुर के ही एक महेश चंद मीणा, उनके साथ में 2,50,00,000 रुपए की चीटिंग की गई। पिछली बार आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने बताया था कि जो बात अब तक इन्वेस्टिगेशन में आई थी कि जो पिछली बार चीटिंग हुई उसमें एक तरफ तो रेंसल इंडिया और उसके लोग है, गणेश इंगले है, अमित गुप्ता है, राकेश गोयल है, और पीस का ओनर सत्यनारायण अनोरिया है जो कि उन केसेस में गिरफ्तार है। अब की जो ये सब काम कर रहे थे तो बॉम्बे वाला पार्ट, रेंसल इंडिया वाला पार्ट तो वही है, लेकिन अब की जयपुर में जो नए ठग और नए अपराधियों के नाम सामने आए हैं वो एक भवानी सिंह शेखावत, जो कि बनी पार्क में उनका निवास है, उनके घर पे जब रेड दी गई तो वो फिलहाल घर से फरार हो गए। पहले इसी सब पैसे से उन्होंने महल नुमा सा घर बना रखा है जिसमें जाकर के हर तरीके की बहुत दुनिया भर की एंटीक पेंटिंग्स और एंटीक आइटम्स और सारी चीज, घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे स्विमिंग पूल, मतलब मोस्ट लग्जरियस लाइफ, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, इन सारी गाड़ियों से चलते हैं। बीटीएस करके एक चैनल भी इन्होंने लॉन्च किया था, आप लोगों के साथ ध्यान जी, जी। तो ये भवानी सिंह जी जो बीटीएस चैनल, वो इस R192 के मालिक होते थे और वो इसको ले जाकर के इसकी टेस्टिंग कराते थे। इनके साथ में नॉर्थ ईस्ट का आसाम का एक व्यवसायी और विनय अग्रवाल, वो भी थे जो कि आकर के इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में इनके साथ थे। तो ये दो लोग मेन किरदार थे इन बाकी 4 आदमियों को ठगने में। और इन्होंने इस बार न केवल इनके साथ ठगी केवल रेडियो एक्टिव मटेरियल के नाम पे की, वो तो की ही की, R192 के नाम से जो इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने इनसे पेंटिंग्स के नाम पर भी, एंटीक रेयर पेंटिंग्स के नाम पर भी करोड़ों की ठगी की है। हमें इनके पास से जो बिल्स मिले हैं, हमें इनके पास से काफी पेंटिंग्स मिली हैं जिसको कि ये रेनाउट पेंटर्स की पुरानी एंटीक पेंटिंग्स बताते हैं। अब वो परीक्षण का विषय है कि क्या वो इतनी रेनाउट पेंटर्स की ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि वो ओरिजिनल पेंटिंग्स नहीं है, उनकी फेक या रेप्लिका तैयार करके और इन लोगों को अगेन विश्वास में लेकर के इनके साथ पेंटिंग्स के नाम पे भी करोड़ों की ठगी की गई। वो पेंटिंग्स भवानी सिंह के और जहां भी हमने रेड दी है, अजय सिंह के फार्म हाउस से और भवानी सिंह के घर से वो पेंटिंग्स मिली हैं। इसके अलावा इन्होंने एक रेड कलर का चश्मा है, बड़ा भारी सा, उस चश्मे के नाम पे भी इनके साथ में ठगी की है कि उस चश्मे को लगाने से उस चश्मे के जो ग्लास में ऐसी पावर है कि आप सी थ्रू कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, इंसान के आर पार देख सकते हैं, दीवार के आर पार देख सकते हैं, उस चश्मे के नाम पे ठगी की है। ये कोई सुलेमानी माला है, करामाती 2 नाम का रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसमें रेडियो एक्टिविटी के और न्यूक्लियर पावर की क्वालिटीज हैं उस मटेरियल में। वो एक प्लेट की शक्ल में है, एक कॉपर प्लेट की तरह से है और उस प्लेट को एक बहुत अच्छे बक्से में, बॉक्स में पैक किया हुआ है। वो बॉक्स को इस तरीके से पैक किया गया जैसे कि ये ऊपर से दिखने में सारी चीज़ें जो लिखी हुई है, रेडियो एक्टिव केमिकल यूजर्स DRDO वगैरह, सो दैट कि ये DRDO के द्वारा पैक किया गया है। और अगेन इनको यही कहानी बताई गई कि इसको DRDO के इंजीनियर्स ने, DRDO के साइंटिस्ट ने, कलाम साहब का भी नाम ये लेते हैं, इसराइल के साइंटिस्ट ने, इन लोगों ने मिलकर के इस R192 को इस बॉक्स के अंदर पैक किया है। ये बहुत ही महंगा आइटम है जैसा कि उनको बताया गया, जिन लोगों ने अभी FIR दर्ज कराई। और इस मटेरियल को अगेन कि 500 या 700 करोड़ रुपए पर इंच के हिसाब से इसकी कीमत है, जो विदेशों में 1,000 करोड़ रुपए पर इंच की कीमत से बिक सकता है। इनको विश्वास दिलाने के लिए DRDO के फर्जी इनको लेटर्स दिखाए गए, सर्टिफिकेट दिखाए गए, DRDO के फर्जी मेल अकाउंट और इनके फर्जी मेल अकाउंट से आपस में करस्पॉन्डेंस दिखाई गई। और जब इन लोगों को यकीन हो गया तो इनको वो मटेरियल ये कह करके इनसे ठगी फिर प्रारंभ की गई कि इस मटेरियल का पहले एक बार केमिकल टेस्टिंग होगी। आज की तारीख में इट्स ए रेडियो एक्टिव मटेरियल, लेकिन आज की तारीख में खरीदने से पहले हम आज इसको टेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें रेडियो एक्टिविटी का और रेडिएशन का लेवल क्या है।
और वो जो टेस्टिंग होगी उसमें जो केमिकल्स लगेंगे उनकी कीमत 80-90 लाख रुपए है, वो खरीदने वाली पार्टी को पे करना होगा। और फिर ये डीआरडीओ का रजिस्टर्ड पीस है तो जिसकी रॉयल्टी के नाम पे भी 50-60 लाख रुपए डीआरडीओ ने जमा कराने। तो ऐसा कहकर के इन्होंने पार्टी को विश्वास में लिया। पार्टी जब विश्वास में आ गई और उसको लगा कि नहीं ये चीज जेन्युइन है, उन्होंने वेबसाइट पे और हर जगह इसको चेक किया तो इस कंपनी के बारे में या इन लोगों के बारे में कोई निगेटिव चीज नहीं मिली जब उनको, तो वो इस मटेरियल की टेस्टिंग के लिए तैयार हुए और उन्होंने इसके लिए करोड़ों रुपए केमिकल के नाम पे और टेस्टिंग के नाम पे जमा कराए। इस बार टेस्टिंग कानोता के पास में फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में इस मटेरियल को ले जाया गया। अगेन डीआरडीओ से फर्जी टीम, डीआरडीओ के कवर के अंदर डीआरडीओ की गाड़ियों में डीआरडीओ की यूनिफॉर्म या जो चीज है उसको पहन करके एक साइंटिस्ट बन करके, इस बार साइंटिस्ट का नाम मिस्टर भादुड़ी था, सम भादुड़ी, वो साइंटिस्ट के तौर पे डीआरडीओ की तरफ से आए। रेंसन इंडिया ने अपने अलग साइंटिस्ट बाहर की तरफ से लेके आए और इसका टेस्ट किया गया। और टेस्ट के बाद में इनके पास में पिछली बार अभी जो हमारी जांच हुई तो एक इनके पास में छोटा उपकरण भी मिला है जिससे ये कंट्रोल्ड ब्लास्ट करा देते थे। जैसे उस कमरे में तो टेस्टिंग हो रही है और जिन लोगों को जो ये पार्टियां थी इनको पूरा अपने प्रभाव में लेकर के कि वहाँ पे साइंटिस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, हम उनके करीब नहीं जा सकते हैं, रेडिएशन हो सकता है, और रेडिएशन से बचने के लिए इनको एंटी रेडिएशन के सूट्स पहना देते थे और ये बैठ के वेट करते थे कि उस कमरे में टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग सक्सेसफुल होते ही डील हो जाएगी। लेकिन प्लानिंग के तहत टेस्टिंग के दरमियान अचानक इनको एक जोर का धमाका सुनाई देता था, ब्लास्ट सुनाई देता था, एक इनके पास मशीन थी जिससे उस कमरे में ब्लास्ट होता था। और फिर जब ये सब लोग घबरा जाते थे तो कहते थे कि जो केमिकल का कंपोजिशन है वो बिगड़ गया या जो केमिकल का फॉर्मूला था जिस रेशियो में मिक्स करना चाहिए था वो कंपोजिशन गलत हो गया इसलिए ब्लास्ट हो गया है, पीस थोड़ा सा डैमेज हो गया है, अब इस पीस को वापस रीट्रीटमेंट के लिए डीआरडीओ जाएगा और जब वहां से रीट्रीट हो जाएगा देन वापस मूवमेंट कराया जाएगा इसका, और मूवमेंट करा के यहां ला करके फिर से टेस्टिंग की जाएगी। और ऐसा जिस पार्टी ने, जिस लोगों ने वो एफआईआर में उनके डिटेल्स हैं, जो चार मुकदमे दर्ज किए गए तो उसमें से एक हैदराबाद के पार्टी है, एक कलकत्ता भोपाल की पार्टी है, एक कलकत्ता की पार्टी है और एक जयपुर की पार्टी है। जिन लोगों को अभी चीट किया गया, जो चार एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो चार नए मुकदमे दर्ज कराए गए हैं कल रात को, उनमें पिछले हफ्ते जयपुर पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी जिसमें रेडियो मटेरियल और न्यूक्लियर मटेरियल के नाम पर पुणे की एक पार्टी से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। इस धोखाधड़ी में जो कंपनी इन्वॉल्व थी, रेंसन एनर्जी एंड मेटल्स लिमिटेड, उसके जो डायरेक्टर्स और उस कंपनी के जो सीईओ थे उनको, और जो जयपुर में एक सत्यनारायण अनोरिया नाम का जो आदमी था जो वो डांसिंग डॉल या रेडियो एक्टिव मटेरियल दिखा करके धोखाधड़ी की थी, उन सबको गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ की गई थी, वो लोग अभी भी पुलिस कस्टडी रिमांड में हैं 18 तारीख तक और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये जो सारी चीजें, ये धोखाधड़ी की ये जो बातें जो मीडिया में वाइडली पब्लिश हुई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, तो इसको पढ़ करके धोखाधड़ी के, ठगी के इस प्रकार से शिकार कई लोग पुलिस के पास आए और उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी कि उनके पास भी धोखाधड़ी की गई है और उनके साथ भी ठगी, इसी प्रकार से थोड़ा सा मॉडस ऑपरेंडी चेंज करके, थोड़ा सा तरीका बदल करके ठगी की गई है। लगभग अब तक पुलिस के पास में कुछ ऐसे ठगी के शिकार 20 आदमी आ चुके हैं जिन्होंने ये शिकायत की है कि उनसे अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने, मेन ग्रुप तो यही है लेकिन इसमें कुछ दूसरे ग्रुप और दूसरे अपराधी भी शामिल हैं, उन लोगों ने उनसे ठगी की है। उन 20 लोगों में से अभी प्रारंभिक फर्स्ट स्टेज पर 4 लोगों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, 3 मामले बनीपार्क थाने में दर्ज किए गए हैं और 1 मामला सांगानेर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। तरीका है वारदात या मॉडस ऑपरेंडी या ठगी करने का जो तरीका है वो पिछली बार के जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन इन्होंने किया कि पिछली बार जो ठगी हुई थी उस आइटम का नाम था डांसिंग डॉल, आप लोगों को ध्यान है, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये डीआरडीओ में रजिस्टर्ड है और
बहुत ही महंगा मटेरियल है, नासा में यूज होता है। अब इन्होंने ठगी जो की वो इन्होंने एक कोई अखबार में कोई कटिंग निकली थी कि सब दुनिया में जो सबसे महंगा मेटल है एंटी मेटल, मतलब ये इतना महंगा मेटल है कि जिससे कि एक कंट्री को ही खरीदा जा सकता है और नासा इसको डेवलप कर रहा है। तो इन्होंने अपने आर्टिकल का एक नाम दिया R-190P, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल। इन्होंने इस सबसे पहले एक कोई BTS चैनल भी चलाया था, उसी जगह पे शायद वो बंद हो गया है, और आगरा में फार्म हाउस पे इसको टेस्टिंग की जाती थी। मुख्य रूप से यही सारे तथ्य हैं जो और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उभर कर सामने आए हैं। अब तक के टोटल 20 लोग पुलिस के सामने आए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब तक लगभग 100 करोड़ की ठगी की तो ठोस सूचना हमारे पास है, मोर देन 100 करोड़ से। पहले दिन तो हमारा एक अनुमान था, क्योंकि इन लोगों ने बताया था जो सुरुमे के साहब, इन्होंने बहुत लोगों के साथ की है, लेकिन वो बहुत लोग कितने बहुत लोग हैं ये हमें पता नहीं था। लेकिन पिछले 5 दिन के अंदर हमारे पास 20 लोगों ने संपर्क किया है और वो कंप्लीट टोटल मोर देन 100 करोड़ जा रहा है जिनके साथ ठगी की गई है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन उनको भी इन्होंने अपने विश्वास में लेकर के और एक पूरा ऐसा झूठ का आवरण रच करके उसमें गवर्नमेंट की एजेंसीज के जो उनके लेटर हेड है या उनका फर्जी फोर्स करके तैयार करके ईमेल्स के द्वारा बाकी चीजों के द्वारा उनको विश्वास में लिया और उनके साथ व्यापक पैमाने पर ठगी की गई। अभी इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारे एडिशनल CP खमेसरा जी के नेतृत्व में और विमल है हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम के एडिशनल DCP इनके नेतृत्व में और बाकी सारी टीम, इसको नेट पे भी देख सकते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने अब सिप्री के नाम से पहले ही गणेश सिंगले वगैरह ने जो अपनी कंपनी थी रेंसल बाद में खोली, इससे पहले ये सिप्री के नाम पर ऑनलाइन या वेबसाइट पे सारी चीजें करके कि जैसे यही सिप्री को रियली रिप्रेजेंट करते हैं, सिप्री के CEO हैं और सिप्री के नाम को यूज करते हुए चीटिंग और ठगी की। लेकिन जब लोगों को डाउट हो गया तो उन्होंने नाम अपना सिप्री से बदल करके रेंसल मेटल्स एंड एनर्जी कर लिया। लेकिन जो शुरू में लोग ठगे गए हैं वो सिप्री के नाम से ठगे गए, और जब उन्होंने सिप्री के बारे में सर्च किया है तो वर्ल्ड की बहुत रिनाउंड कंपनी है, उसके साथ में जैसा मैंने कहा कि वहाँ की इनके पास फोटोग्राफ्स अपलोड कर रखी हैं, वर्ल्ड न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस की सारी फोटोग्राफ्स कर रखी हैं, तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, वो हम आप लोगों को देंगे तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकर के हमारी टीमों ने बॉम्बे में गई है, SHO सांगानेर बॉम्बे गए, लखन ठिकाना वहाँ जा करके गणेश सिंगले और उनके ठिकानों पर उन्होंने रेड दी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया है। उसी तरीके से SHO जवाहर सर की एक टीम के साथ में अमित गुप्ता और राकेश गोयल को दिल्ली ले जा करके उनके साथ में इन्वेस्टिगेशन किया, इंदौर में दिनेश आर्या को ले जा करके इन्वेस्टिगेशन किया है। तो वहाँ से गणेश सिंगले के यहाँ से इसराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है 360° NT, वहाँ से उस कंपनी का इसराइल का बना हुआ 360° NT-gamma रेडिएशन जैकेट्स भी बरामद हुए हैं, जो ओरिजिनल जैकेट्स हैं और काफी कॉस्टली जैकेट्स होती हैं, 3,80,000 की एक जैकेट है, वो जैकेट्स भी बरामद हुई हैं, जो इन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि ये कहीं नेट पे भी सर्च करें तो पता चले कि इसराइल में इस तरीके की एक कंपनी है जो इस तरीके से एंटी रेडिएशन जैकेट्स बनाती है और उसको अगर मिलान करना चाहे तो वो सेम लगे, वो जैकेट्स भी बरामद की गई है। इनसे फिर इनसे और भी केमिकल्स बरामद हुए, DRDO के और भी उपकरण बरामद हुए हैं। जिस गाड़ी में ये DRDO की टीम आती थी वो गाड़ी बरामद कर ली गई है, वो सारी चीजें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में लगातार सूचनाएं आ रही हैं और अकॉर्डिंगली पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा एक बहुत ही प्रेस्टिजियस वर्ल्ड का इंस्टीट्यूट है स्टॉक हमारे पास है, करामात देखना चाहो तो आपको दिखा, ठीक है ना। तो उस सुलेमानी माला के नाम पे हमने कई सुलेमानी मालाएं जो है जब्त कर ली है, उन सुलेमानी मालाओं के नाम पर इनके साथ ठगी की गई।